सर्वोच्च शक्ति को नमन करती हूँ, सेवा सेवा जोहार करती हूँ। पेंजे दाई पूर्वा दाऊ नाले दाई माबा बाना सल्ला घमरत सेवा 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 जोहार करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति पितृशक्ति एवं मेरे सभी युवा साथी भाई बहनों को भी मेरा सादर सेवा सेवा जोहार। उपस्थित जितने भी जो गाना गाने वाली डांस करने वाली टीम है उनका भी मैं सादर सेवा जोहार करती हूँ, और जो कैमरा मैन है उनका भी सादर सेवा जोहार करती हूँ, क्योंकि रात काफी हो गई है और सबको नींद भी आने लगी होगी और ठंड भी बहुत ज्यादा है, तो कम्बल में ओढ़ कर सोने का मन भी कर रहा होगा, हो रहा है कि नहीं। तो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है, और तो इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुझे मौका दिया गया इस आयोजक समिति के लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगी, तो उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, छोटी सी बात बोलूंगी, थोड़ा सा बोलूंगी, बच्चे लोग मना कर रहे लगता है। तो साथियों, हम यहाँ संस्कृति की बात कर रहे हैं, सांस्कृतिक पीरियड चल रहा है ये, तो मैं ये बोलूंगी कि सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी अपने से कि मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरी पहचान क्या है, कि जिससे साबित हो सके कि मैं आदिवासी हूं। पता होना चाहिए ना, तभी तो मैं दूसरे से बहस कर सकती हूँ कि भाई मैं गोंड आदिवासी हूँ, इस देश की मूल निवासी हूँ। हम लोग बड़े बड़े मंच से भाषण भी देते हैं और रोड पे भी चिल्लाते हैं और किसी के सामने भी बोलते हैं कि भाई मैं गोंड आदिवासी हूँ, मेरे से डर के रहना, बोलते हैं ना, गर्व करते हैं कि नहीं अपने आप पर। तो मेरा यही है कि सबसे पहले हमें अपने बारे में पता होना चाहिए कि भाई मैं कौन हूँ। तो मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम साधना उइके है और मैं प्रॉपर सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा की रहने वाली हूँ, लेकिन वर्तमान में भोपाल में रहती हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम साधना है और मेरा जो सरनेम है वो उइके है। अब भैया, ये उइके कौन होते हैं और ये कितने देव वाले होते हैं? उइके कितने लोग हैं यहाँ पे बताओगे मुझे? हाँ, तुझे करके बताओ यार, डरो मत, मैं भी आप लोगों से बात करने आई हूँ। कुछ ही लोग हैं उइके, इधर है उइके। तो मेरा नाम साधना है और मैं उइके हूँ, और मैं मुझसे पूछते हैं कुछ लोग कि आप कौन से उइके हो, तो भाई मैं तो बता देती हूँ, मैं फंद उइके हूँ। कोई तुमरी सार उइके होते हैं, कोई बागमारी उइके होते हैं, कई प्रकार के उइके हैं, तो मेरा फंद उइके है। और मुझसे जब लोग पूछते हैं कि भाई आपके देव कितने हैं, तो उइके लोग कितने देव के होते हैं, कोई बताएगा? पांच। चलो, कुछ लोगों को पता है कि छह देव के होते हैं, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि भाई मैं कौन से उइके हूँ और कितने देव हैं मेरे। अब देव के नाम किस किस को पता है ये और बता दो मुझे, कोई बताएगा देव के नाम, छह देव के नाम? तभी तो पता चलेगा भाई हम किस देव को पूज रहे हैं, किसी को नहीं पता होगा शायद। चलो मैं ही बता देती हूँ। तो मेरे जो देव हैं, छह देव, उनके नाम है अहेदाल गोंगो, महेदाल गोंगो, आपादाल गोंगो, टेपादाल गोंगो, भंडेदार गोंगो और कोइंदार गोंगो। ये हमारे छह देव हैं जिसकी हम पूजा करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे देव के बारे में नहीं पता है, लेकिन यहाँ भूमका संघ होंगे, भूमका लोग होंगे, उनको पता है कि छह देव है तो हमारे, लेकिन कौन देव है? उनकी पूजा तो हम करते हैं लेकिन हमें पता नहीं, उनके नाम ही नहीं पता, तो कैसे हम बता देंगे? तो ये छह देव वालों के नाम है जिसको हम पूजते हैं, और तभी तो आप पता पाओगे कि भाई मैं आदिवासी हूँ, कोयतूर हूँ, गोंडवाना का मूल निवासी हूँ, तभी बता पाएंगे ना हम अपनी पहचान। भाई पंडित से और आपकी तुलना करेंगे, पंडित तो अपने बारे में बता देगा कि मैं कौन से देव का हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, कौन से देव को मानता हूँ, कौन से भगवान को मानता हूँ, तो ये सब कुछ बताते कि नहीं? वो सब कुछ बताते हैं उनके बारे में, लेकिन हमें जब हमसे वो पूछे कि भाई आप आदिवासी हो, आप कौन से भगवान
मानोगे, कौन से देव को मानोगे, आप कैसे बताओगे, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो ये छह देव को आप सभी लोग याद रखना। एक कोया पुनेम की बुक मिलती है, यहाँ पे किताब मिली थी कोया पुनेम की, उसमें लिखे हुए सारे देव के नाम। ऐसे सात देव वाले होंगे, उनको भी पता होगा उनके देव के नाम। कितने लोग हैं सात देव वाले? सात देव वाले क्यों नहीं है? ध्रुवे होंगे, मस्कोले होंगे, मरावी होंगे, पता नहीं होगा शायद। तो भाई हमें अपनी खुद की जानकारी हमें नहीं पता होगी तो फिर कैसे आदिवासियों का जो अस्तित्व है, उसकी पहचान है, उसके रीति रिवाज है, कैसे बता पाएंगे? नहीं बता सकते आप, तो आप आदिवासी कहलाने के लायक ही नहीं रहोगे। यूपी में जब जनगणना की गई है, वहां पे सर्च किया गया, रिसर्च किया गया, तो भाई उनसे पूछा कि आप लोग आदिवासी कैसे हो, आप अपने आप को आदिवासी बोल रहे हो, आप साबित करके बताओ आदिवासी कैसे हो। तो उनने उनके घर में जाके देखा, तो उनके घर पे भी पता ये हमारे पुरखा पहने, इनकी फोटो की जगह पे 4 हाथ 10 हाथ 12 हाथ वाले लोग रखे हुए थे। तो हम साबित ही नहीं कर पा रहे कि किस किस के घर में बड़ा देव की फोटो है। कौन से भगवान को पूछते हो आप लोग? सब इधर उधर के भगवान को पूछते होंगे। मेरा तो ये मानना है कि अपनी पुरखा शक्ति को पूजिए, अपने पुरखा प्रेम को पूजिए। मैं एक लाइन में एक बात बोलूंगी और आप छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने कोया पुंगार है वो लोग सुने जरूर कि अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं होता, अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं होता, और माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। सही बात बोली कि नहीं? तो इस दुनिया में आपको खिलाने वाले, पालने वाले, अच्छी शिक्षा देने वाले, अच्छे संस्कार देने वाले माता पिता ही होते हैं, कोई भगवान नहीं देता। आप अपनी मर्जी से पढ़ाई करते हो, उसमें मेहनत करते हो, तब जाके आप पास होते हो। हे भगवान, आज मेरा कल मेरा पेपर है, मुझे पास कर देना। कोई ऐसा जाता है बोल के? जाते, मुझे पता, मैं भी करती थी ऐसे। तो ये है कि हमें भगवान के कॉन्सेप्ट में जाना ही नहीं है कि कौन भगवान है, क्या है क्या नहीं। जो हमारी नजरों में वो भगवान होना चाहिए जो हमारे लिए कुछ करे। तो मैंने जो लाइन बोली उसको हमेशा याद रखना, माँ बाप से पढ़कर कोई बड़ा भगवान इस दुनिया में है ही नहीं है। तो अपने माता पिता को ही पूजना है, अपने माता पिता के ही रिस्पेक्ट करना है आप लोगों को, उनकी बातें मानना है, उनको उनके संस्कारों पे आप लोगों को चलना है। जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं, आप लोग को भी अपने माता पिता को बताना है कि हमारे भगवान आप ही हो, आप ही हमें खाना खिलाए हो, आपने हमको पढ़ा लिखा कर बड़े किए हो। तो हम किसी भगवान को नहीं मानते, आपको ही मानते हैं। तो ये जिम्मेदारी कौन की है? अब आप लोगों की है। तो करोगे आज से कि कोई और भगवान उतर के आएगा? किसी की बुराई नहीं कर रही हूं, लेकिन माता पिता से बढ़कर मेरे को आज तक कोई भगवान नजर नहीं आया है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज तक मैंने उस गॉड से मांगा है कि भाई मेरे लिए कुछ तो कर दे, मुझे जल्दी से अमीर बना दे, पर कभी नहीं बनाते। खुद को मेहनत करनी पड़ती है तब जाके हम अमीर बनेंगे। जो आर्थिक क्रांति, यहाँ पर हम लोगों ने 3 दिन का शिविर अटेंड किया है, तो हमें क्यों अटेंड करने की जरूरत है, क्यों सीखने की जरूरत है, क्यों जानकारी लेने की जरूरत है? क्योंकि हमें पैसा कमाना है। और वो पैसे कैसे कमाओगे? जब आप मेहनत करोगे तब जाके आप पैसा कमाओगे। क्या आप बोल दोगे हे भगवान कल मेरे घर में सोना चांदी ला के रख देना? रख देगा क्या बताओ? कोई नहीं रखने वाला। मैंने कई बार प्रैक्टिकल करके देख लिए। तो ये बात मैं भाषण नहीं दे रही हूँ, आप लोगों से बातें कर रही हूँ कि इस तरीके की ये चीजें है ना, ये भगवान वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो निकाल दो दिमाग से। खुद को ही मेहनत करनी है, खुद को ही खाना लाना है, बनाना है, सब कुछ करना है। हाँ, एक ही भगवान इस दुनिया में, वो माता पिता है, इसको हमेशा याद रखना। तो रखोगे आज से? अरे हाथ ऊंचे करके बोल दो यार। तो सब शर्मा रहे, ठंडी बहुत ज्यादा लग रही है।
तो हमें यही चीज देखना है कि हमारे समाज में जिस तरीके से जातिवाद में, भगवान में, इसमें उसमें जो उलझे हुए हैं ना, उस चीज को छोड़ के हमें सिर्फ और सिर्फ अभी शिक्षा पे ध्यान देनी है। और खास करके मैं मातृशक्तियों के लिए बोलूंगी, क्योंकि मैं 5 साल से जो भी काम कर रही हूँ, मैं अपनी मातृशक्ति अपनी बहनों के लिए ही काम कर रही हूँ। कभी भी आपके साथ शोषण अत्याचार कुछ भी गलत होता है तो एक शिक्षा ये जो आप लोग को बोलने की हिम्मत देती है, वो आपके माँ बाप के संस्कार ही है जो आप लोगों को आगे बढ़ने देते हैं। तो सोच समझ कर हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हमें सीखना है। और माता पिता से भी मैं निवेदन करूंगी, क्योंकि मैंने ज्यादातर देखा है कि पेरेंट्स अपनी बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, तो उनसे निवेदन करूंगी जब तक आप अपनी बेटियों पे, बेटों पे भरोसा नहीं करेंगे, तब तक वो आप तक कहीं पे भी नहीं जा पाएंगे, दुनियादारी नहीं सीख पाएंगे जब तक आप उन पे भरोसा नहीं करेंगे। क्योंकि मेरी नजरों में मैं बता दूं, जो सबसे बड़ी ताकत होती है ना माता पिता की होती है। यदि वो हम पे भरोसा करते हैं, हमारा परिवार भरोसा करता है, तो हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, इतनी हिम्मत होती है हम लोगों में। तो आप लोगों का भरोसा ही हमारी हिम्मत है, आपके बेटे बेटियों की हिम्मत होती है, और बेटा बेटियों की भी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने माता पिता का भरोसा नहीं तोड़े कभी। क्योंकि वो आप लोगों को इतनी छूट दे रहे हैं, घूमने फिरने दे रहे हैं, आजादी दे रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करने दे रहे हैं, सब चीज की छूट दे रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी भी उनके लिए बनती है कि नहीं। तो ज्यादा कुछ नहीं, शायद उनको अच्छा नहीं लग रहा है मेरे बोलने से, क्योंकि मैं बेसिक बातें बता रही हूँ आप लोगों को, जो हम रेगुलर देख रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, ये रेगुलर, ये हमारे दिनचर्या की बात बता रही हूँ कि ये चीज हम लोग फेस कर रहे हैं। तो माता पिता को भी बच्चों पे भरोसा रखना पड़ेगा, और बच्चों को भी माता पिता का भरोसा नहीं तोड़ना है। सबसे बड़ी बात हमें ये याद रखना है, तब जाकर हम दुनिया की जंग जीत सकते हैं। तो मैं हमेशा मातृशक्तियों के लिए काम की हूँ। आपने देखा होगा कि आज का जो वर्तमान स्थिति हम देख रहे हैं कि हमारी सबसे ज्यादा बहन बेटियों के साथ शोषण अत्याचार होता है, सबसे ज्यादा, तो हमें बहुत बुरा लगता है। आपने मणिपुर की घटना सुनी होगी सभी लोगों ने, कितनी बुरी घटना थी। तब जाके हम लोग ने दिल्ली से लेकर, जयपुर से लेकर दिल्ली तक पैदल यात्रा निकाली थी सिर्फ 3 लड़कियों ने, कि कहीं पर भी कुछ भी होता है हमारी बहन बेटियों के साथ तो उस पर प्रशासन सही तरीके से एक्शन ले। हमारा बस एक ही मांग थी राष्ट्रपति महोदय जी से कि पीड़िता को पीड़िता की नजरों से देखा जाए, और जो अपराधी है उसको अपराधी की नजरों से देखा जाए। क्योंकि हमारा भी जो हम देख रहे हैं उसमें अपराधियों को बचाने का काम करती है प्रशासन। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती है। तो मेरा तो यही मानना है, यही चीज है कि हम लोगों को मजबूती के साथ निकलना पड़ेगा, सब लोगों से बच के निकलना पड़ेगा, और सही चीजों पर हमें काम करना पड़ेगा। इधर उधर भटकने से अच्छा है कि हम अपने लिए, खुद के लिए कुछ करें, खुद का हुनर देखें कि हमें क्या अच्छा लग रहा है और क्या चीज हम कर सकते हैं। तो मेरा भी इंटरेस्ट था कि मुझे बिजनेस लाइन में जाना है, और खास करके पॉलिटिक्स में जाना है। तो भाई मेरे पास मेरी जेब गर्म होगी तब जाके मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगी। तो मैं बिजनेस लाइन में जाना चाहती हूँ, और इतना पैसा कमाना चाहती हूँ कि मैं ऐसे लोगों की, यदि कोई मेरे से मांगे ना, तो मैं ऐसे ही दे दूँ, और अपने समाज के लिए खूब सारा काम करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे खुद को सक्षम होना पड़ेगा। तो आप जैसी बहनों से भी निवेदन है कि आप लोग भी कुछ लक्ष्य तय कीजिए, कुछ अपना हुनर पहचानिए। भाई लोगों से भी मेरा यही निवेदन है कि अपना हुनर देखिए, लक्ष्य पहचानिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि भाषण देके तो हम चले जाएंगे, करना आप लोगों को ही है। बस इतना ही बोलते हुए अपनी बात को यही विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जोहार।